डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एंड आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट भी हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट भी ये तो पढ़ा दिया गया था मेरे द्वारा, उसमें मैंने एक नोट लिखवाया था, नोट को बड़ी बारीकी से सावधानी से, यू हैव टू ऑब्जर्व माई लेक्चर थ्रू थी कैंथिन, रियली डू यू वॉन्ट टू लर्न एंड रियली डू यू वॉन्ट टू इन्हेंस योर इंग्लिश एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व माई लेक्चर थ्रू थी कैंथिन, लेट मी स्पीक हिंदी। तो उसे नोट में लिखवाया गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट पढ़ा दिया था, पार्ट बी था, उसमें नोट एक लिखवाया था नीचे में, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब यह कंजक्शन बेन बिफोर आफ्टर, क्या बोला एक बार फिर से, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब यह कंजक्शन वेन बिफोर आफ्टर से जुटे हों। ओके, यदि पास्ट में दो क्रिया, कितना क्रिया, यदि पास्ट में दो क्रिया समाप्त हो तो एक क्रिया के समाप्त होते ही, क्या बोला हूँ, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब यह कंजक्शन वेन बिफोर आफ्टर से जुटे हों, यदि पास्ट में दो क्रिया समाप्त हो तो एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया समाप्त हो, क्या हो, दूसरी क्रिया समाप्त हो। तो पहले समाप्त क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और बाद में समाप्त क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नोट के एक बार स्टडी करेंगे, कन्फर्म समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, मेरे द्वारा बोर्ड पर समझाया जा रहा है, प्लीज कम ऑन द बोर्ड। ओके, तो देखा जाए, टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट बी पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्ट बी, कौन सा पार्ट बी, तो पार्ट बी में देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी, चुकी थी, क्या था क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, तो रोगी के पीएम सेज पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो ये जो दो सेंटेंस दिया है, कितना सेंटेंस, दो सेंटेंस दिया गया है, देखा जाए तो रोगी के पीएम से पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। इसमें दो सेंटेंस दिया गया डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थी, दो सेंटेंस दिया गया, तो दो सेंटेंस कौन कौन है, तो रोगी के पीएम से पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें देखिएगा पहले कौन सा क्रिया हुआ, तो पहले डॉक्टर मर गया कि पहले पेशेंट हो गए पहुँचने से, यानी सेंटेंस पढ़ने से साफ झलक रहा है कि रोगी के पीएम से पहुँचने से पहले, पेशेंट तो बीमार रहते हैं, तो रोगी के पीएम से पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी, तो पेशेंट के पहले पहुंचने से पहले ही डॉक्टर क्या हो गए थे, डॉक्टर ही टपक चुका था, डॉक्टर क्या हो चुका था, टपक चुका था, ठीक है। तो यानी गांव घर में ये टेंस का स्ट्रक्चर, जो भी जिनको जानकारी टेंस के जो पढ़े हुए हैं बाबा लोग, बुजुर्ग लोग, ब्रह लोग, ठीक है, तो वो लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज ब्रह बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो समय का समाज, जो दूसरे की इज्जत करता है, जो लोग दूसरे की इज्जत करते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो पास्ट में दो क्रिया समाप्त होते हैं, एक क्रिया समाप्त होती है दूसरी क्रिया, पहले क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया समाप्त होते, पहले समाप्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, बाद में समाप्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। इसमें पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले हमारा देखा जाए कि डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी, क्या हो चुका था, डॉक्टर कुमार की मृत्यु, तो इसको किस टेंस बनाएंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, किस टेंस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। देखा जाए तो डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी, डॉक्टर कुमार हैड, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर मालूम होगा डियर स्टूडेंट, डॉक्टर कुमार हैड डाइड, डॉक्टर कुमार हैड डाइड, तो उसका कंजक्शन क्या डालना है, पहले के लिए बिफोर डालेंगे, क्या डालेंगे, बिफोर, डॉक्टर कुमार हैड डाइड बिफोर द पेशेंट arrived in the PMCH,
ये आपका डिस्टेंस अराइव्ड लिखा हुआ है, अराइव्ड इन द PMCH, ठीक है। डॉक्टर कुमार हैड डाइड बिफोर द पेशेंट अराइव्ड इन द PMCH। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो पहले सांप्रदाय के लिए, पहले सांप्रदाय के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का, बाद में सांप्रदाय पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये हमारा किस टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा क्या है, ये कंजक्शन हो गया, CNG शॉर्ट में लिख दिया। और ये इसके लिए सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट का, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए कॉपी आउट कर ले जल्दी, इसमें कुछ प्रैक्टिस और लिखवाया जाएगा मेरे तरफ, प्रैक्टिस वो भी कॉपी आउट करना है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार चलाएं, पुनः दोबारा उसको देखिए, कन्फर्म लेक्चर समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए कॉपी आउट करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रैक्टिस वर्क लिखवा दिया जा रहा है PW मेरे द्वारा, उसे कॉपी आउट कर ले, और यू मस्ट हैव टू मेक दिस सर्टन, मेक दिस सेंटेंसेस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेशन पहुंचने से पहले, से पहले सचिन ने शतक बना लिया था। जस्ट ने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका है, पिताजी के मना करने से पहले पिताजी के मना करने से पहले वह बेहुदे ने उस गधी से शादी कर लिया था। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हम लोगों के टेलीविजन खोलने से पहले, भारत ने टॉस जीत लिया था, भारत ने टॉस जीत लिया था, चलिए डियर को स्टूडेंट, चलिए इसको कॉपी आउट कर लें। फोर नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के स्प्रिंट स्पोकन पहुंचने से पहले सीके सैगल की मृत्यु हो चुकी थी, चलिए
चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को मिला लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले सचिन ने शतक बना लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले सचिन ने शतक बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेकंड नंबर, पिताजी के मना करने से पहले वह बेहुदे ने उस गधी से शादी कर लिया था। पिताजी के मना करने से पहले उस गधे ने उस गधी से शादी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, हम लोगों के थर्ड नंबर है, हम लोगों के टेलीविज़न खोलने से पहले भारत ने टॉस जीत लिया था। ठीक है, हम लोगों के टेलीविज़न खोलने से पहले भारत ने टॉस जीत लिया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हम लोगों के स्प्रिंट स्पोकन पहुंचने से पहले सी के सैगल की मृत्यु हो चुकी थी। हम लोग स्प्रिंट स्पोकन पहुंचने से पहले सी के सैगल की मृत्यु हो चुकी थी। ये क्वेश्चन है, इसको आगे फिर नेक्स्ट फाइव नंबर लिखवाया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, फाइव नंबर क्वेश्चन राइट करें। इन विद्यार्थियों को इन विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने से पहले पहले प्रधानाध्यापक बेहोश हो चुके थे। बेहोश हो चुके थे। सिक्स नंबर देखा जाए, सुबह 7 AM बैच लेने से पहले सर ने दो कप गरम गरम चाय पिया। सेवन नंबर देखा जाए, डियर स्टूडेंट नंबर सेवन, विदेश के लिए प्रस्थान करने से पहले उन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख चुके थे। चलिए आगे देखा जाए प्रैक्टिस वर्क। मिस परोसिया को मिस परोसिया के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों को उस पार्टी में, हम लोग उस पार्टी में पहुंचने से पहले, हम लोग उस पार्टी में पहुंचने से पहले हम मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार धराम से गिर चुके थे। ठीक है, ये नंबर देख लीजिए क्या नंबर क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन ये भी है 7, 8 या 9 अप्रॉक्स देखा जाए, क्वेश्चन है नंबर देख लीजिए विद्यार्थी स्टूडेंट्स। मिस परसिया के स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट, हम लोगों के उस पार्टी में पहुँचने से पहले मिस्टर कुमार धराम से गिर चुके थे, ठीक है। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट बी का पी डब्ल्यू है।